दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में लिवोसिज एम किड टेबलेट के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी बीमारी में दी जाती है, इसकी डोज क्या होती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए लिवोसिज एम किड टेबलेट ये एक ब्रांड नेम है सिस्टोपिक कंपनी का। सिस्टोपिक कंपनी बनाती है, लगभग हर दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए लिवोसिज एम किड टेबलेट ये डिसोल्व आती है, डीटी आती है, तुरंत घुल जाती है, फ्लेवर वाइज आती है, छोटे बच्चों में दी जाती है। अगर कोई बच्चा एक साल से लेके पाँच या छः साल तक है तो वहाँ इसको डॉक्टर यूज करने के लिए देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। कहाँ करना है, जहाँ पर बच्चे को खांसी से जुड़ी प्रॉब्लम है, सूखी खांसी आ रही है या छाती के अंदर कफ है, मुकस जम गया है, उस कंडीशन में दी जाती है। बच्चे को अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत होती है, श्वास लेने में कफ जम गया है, कफ चिपक गया है, वहाँ दी जाती है। बच्चे के छाती के अंदर खुजली चलती है, तय तय की आवाज़ आती है, वहाँ पर भी दी जाती है। गले में कोई दिक्कत है, गले में स्वेलिंग है, वहाँ पर भी काम करती है। कोल्ड की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, नाक से पानी आना, नाक बंद रहना, वहाँ पर भी काम करती है। इसके साथ साथ दोस्तों कान की प्रॉब्लम है, ईएनटी स्पेशलिस्ट दे सकते हैं। कान से पानी आना, कान के अंदर खुजली चलना या स्किन के ऊपर खुजली चलना, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाना, आँख से पानी आना, इन सभी प्रॉब्लम में दी जाती है। इनके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम में काम आ सकती है। बात करें मोड ऑफ एक्शन के बारे में, किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आते हैं दो सोल्ट। पहला है लिवोसेट्रेजिन 2.5 मिलीग्राम, दूसरा है मोनोलुकास्ट 4 मिलीग्राम। लिवोसेट्रेजिन दोस्तों एंटी हिस्टामिन सोल्ट है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बंधन से रोकता है, जो कि कारण बनता है कोल्ड एंड फ्लू का। मोनोलुकास्ट दोस्तों ल्यूकोट्रिएनस नाम के रसायन को बंधन से रोकता है, जो कि कारण बनता है अस्थमा का, मुकस का। तो इन दोनों सोल्ट मिलकर इन प्रॉब्लम में काम करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। डोज की बात करें, वैसे तो डॉक्टर बच्चे का बॉडी वेट देख के डोज निर्धारित करते हैं, लेकिन इसकी एक नॉर्मल डोज होती है रात को सोने से पहले, दिन में एक बार, दिन में भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, रात को अच्छी मानी जाती है। साइड इफेक्ट की बात करें, थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे कि नींद आने में दिक्कत होना, बच्चे के पेट में दर्द होना, वोमिट हो जाना लेने के बाद, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये हर किसी में होते हैं, घबराने की बात नहीं है। सावधानी मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर की देखरेख में दीजिएगा, डोज को आपको बदलना नहीं है, जितना आपको डॉक्टर ने कहा है उतना ही डोज देना है, उतने दिन के लिए ही देना है। देने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट हो भी जाए उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझिए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।